अध्याय 12। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सहन किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को ये बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। और वो यहूदिया को छोड़कर केसरिया में जा रहा। वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। सो वे एक चित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठकर उनको व्याख्यान देने लगा। इस पर लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वो कीड़े पड़ के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाउल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे।